100 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं बंगाल से आ रही, जहां पर सुशु के हवाले से जो खबर मिली है वो ये कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तूफान यास पर तबाही पर समीक्षा बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 मिनट इंतजार करवाया और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ राज्यपाल धनखड़ भी मौजूद थे। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल भी मौजूद थे। 30 मिनट तक इंतजार करते रहे प्रधानमंत्री। नाराजगी ममता बनर्जी की इस बात को लेकर थी कि उस बैठक में शुभेंदु अधिकारी भी आने वाले थे, इसी को लेकर नाराजगी ममता बनर्जी की थी। तो बंगाल में समीक्षा बैठक को लेकर ममता बनर्जी ने 30 मिनट तक प्रधानमंत्री को इंतजार करवाया। हालांकि उससे पहले ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री की एक और बैठक होनी थी। इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि इस बैठक में राज्यपाल धनखड़ भी मौजूद थे। यास से प्रभावित तमाम इलाकों का दौरा आज प्रधानमंत्री हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं, कितना नुकसान हुआ इसका आकलन भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, आज ममता बनर्जी ने नाराज होकर, नाराजगी इस बात को कि उस बैठक में शुभेंदु अधिकारी भी आने वाले हैं। इस बीच ये तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक के लिए मौजूद, एक तरफ राज्यपाल को देखा जा सकता है साथ में शुभेंदु अधिकारी, लेकिन बगल वाली कुर्सियां खाली हैं क्योंकि ये कुर्सियां रखी गई थी ममता बनर्जी के लिए, वो नहीं पहुंची। नाराजगी इसी बात को लेकर थी ममता बनर्जी की कि इस बैठक में ये समीक्षा बैठक हो रही है और इसमें शुभेंदु अधिकारी पहुंच रहा है। हालांकि दूसरे किसी के आने को लेकर नाराजगी नहीं थी ममता बनर्जी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 मिनट तक इंतजार करवाया प्रधानमंत्री। आज यास तूफान से प्रभावित तमाम इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण भी किया, उसकी तस्वीरें लगातार आज तक आपको दिखा रहा है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर वो जब समीक्षा बैठक के लिए प्रधानमंत्री बैठे, एक तरफ राज्यपाल, दूसरी तरफ की कुर्सियां खाली।